12 से 2 पॉलिटिकल शो में इस वक्त बड़ी सियासी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। सियासी तूफान महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ मुद्दा मराठा आरक्षण का, जो इस वक्त हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। महाराष्ट्र के बीड़ में मराठा समाज ने उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, जमकर पत्थरबाजी की है। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके, उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मराठा आरक्षण का आंदोलन अब हिंसक रूप लेता हुआ। भीड़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं मृत्युंजय, अभी हालात किस तरीके के बने हुए हैं भीड़ में? रोमाना, बीड़ में ये प्रकाश सोलंके जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक हैं, उनके घर पर मराठा समाज के लोग पहुंचे और पहले बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन देखते देखते उग्र हो गया और फिर हम देख सकते हैं किस प्रकार से उनके घर पे दफ्तर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और फिर आगजनी की गई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जो पार्किंग का एरिया है और घर का हिस्सा है वो आग के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार की नाराजगी और गुस्सा मराठा समाज के लोगों ने प्रकाश सोलंके जो कि एनसीपी के विधायक हैं उनसे दिखाई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ पुलिस के लोग मौजूद थे, वहाँ पे बीड़ पुलिस के लोग मौजूद थे, उसके बावजूद किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया और ये आगजनी देखने को मिली और हिंसक रूप ले लिया। और यही नहीं बल्कि बीड़ पड़ली हाईवे पर भी टायर और लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े जलाकर या लकड़ियों को जलाकर रास्ते को, हाईवे को रोकने का प्रयास किया गया है, वहाँ हाईवे रोका गया है। इस प्रकार की तस्वीरें अब महाराष्ट्र से सामने आने लगी हैं। और दूसरी तरफ जो ये बड़ा हो जाता है कि आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो एमएलए के घर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, जो हाईवे है वहां पर आगजनी की जा रही है, नेताओं को अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रहे हैं मराठा नेता, तो अब हल कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है सरकार की नजर होगी इन पूरे हालात। निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए इसका हल सिर्फ आश्वासन से नहीं निकलने वाला है, जो कि पिछले कई समय से महाराष्ट्र सरकार कर रही है। चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, हर कोई आश्वासन दे रहा है कि हम मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन ये कानूनी अमलीजामा इसे नहीं पहना पा रहे और इसके पीछे बहुत पेच आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। याद होगा आपको, इसके पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं और वही अड़चन बार बार आ रही है। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्यूरेटिव पिटीशन है उस क्यूरेटिव पिटीशन को सुनने के लिए हामी भर दी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रिया अदा किया है। अभी कुछ समय पहले ही, एक घंटे पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। जो चीजें हैं, जो उप समिति ने जो पहली अपनी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सौंप दी है, कल कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र भीड़, जो विधायक है वहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट के, उनके घर को देखिए किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रही ये भीड़ जो हिंसक हो गई है। राकेश शुक्ला जी, महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, इसके फेर में फंस जाएगी क्या शिंदे सरकार या फिर रास्ता निकाल लेगी? दरअसल आरक्षण के बहाने वहाँ पे छोटे पवार और बड़े पवार के जो पावर है उसका प्रदर्शन चल रहा है। मराठा आंदोलन पहले भी हुआ है और पहले बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बड़ा जन समूह था, लेकिन इस तरीके की हिंसा की स्थितियाँ नहीं आई। आज जो अपने सामने देखने को मिल रहा है वो कुल मिला के शक्ति प्रदर्शन है छोटे और बड़े पवार के बीच में। और क्योंकि वहाँ सबसे बड़े जो मराठा नेता हैं वो शरद पवार जी हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मराठाओं के बीच में एक ही मराठा नेता होगा और एक ही पावर होगा, एक ही पवार होगा। बिल्कुल, तो पवार वर्सेस पवार की ये लड़ाई, जिसकी वजह से मराठा आरक्षण की ये आग और ज्यादा भड़कती हुई, उग्र होती हुई नजर आ रही है। इसका हल कैसे निकलेगा, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। ABP News आपको रखे आगे।